हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट काठमांडू कनेक्शन। इसमें आपको टोटल 6 एपिसोड देखने को मिलेंगे, जिसके हर एक एपिसोड 29 मिनट से लेकर 42 मिनट्स के बीच में ही है। और शो में आपको स्टार्टिंग में 3 अलग अलग केसेस देखने को मिलते हैं, और ये केसेस आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको एकदम ईजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए बात करेंगे शो के प्लॉट की, जो कि शुरू होता है 1990 से, लेकिन हम लोग बात करेंगे 93 से, जहाँ पर बॉम्बे में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले ऑफिसर का हो जाता है मर्डर, और उस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करती है सीबीआई। और वही दूसरी तरफ 93 में न्यू दिल्ली में हमें नजर आते हैं डीसीपी समर्थ कौशिक, जो कि एक किडनैपिंग के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उसके अलावा एक और जर्नलिस्ट नजर आती है, जो कि प्राइम टाइम न्यूज होस्ट करती है, उसको एक अनजान शख्स स्टॉक कर रहा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ये 3 अलग अलग केसेस का कनेक्शन काठमांडू से लिंक होता है। अब इन सारी चीज़ों के पीछे कौन है, फिर उसके बाद क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी पड़ेगी। खैर, अब बात करेंगे शो के कॉन्सेप्ट की। तो देखिए, 93 में जब बॉम्बे में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, तो इस पर हमने बहुत सारी मूवीज़ देखी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारी की सारी मूवीज़ एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर हमें फील होती है। लेकिन अगर आप लोग इस पर्टिकुलर शो को देखोगे, तो ये थ्रूआउट द वे एक अलग तरह से प्रेजेंट किया, और जो चीज़ आप लोग सोचोगे कि यार हमको यहाँ पर वो देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर वो आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। अब मेकर्स का कहना है कि इस शो में बताई गई स्टोरी रियल लाइफ इवेंट्स पर बेस्ड है, तो यार ये किस पर बनी है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि शो की कहानी अपने आप में इतना दम रखती कि वो काफ़ी हद तक चीज़ों को एक्सपोज कर सके। लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिविटी, वो है शो में बताई गई डेपनेस, यानी कि शो इतना ज़्यादा फास्ट पेस हो जाता है, या फिर आप लोग कह सकते हो कि शो में जितना डिटेल में चीज़ें बतानी चाहिए, जितना डेप्थ में चीज़ें बतानी चाहिए थी, वो हमें फील नहीं होता, तो वहाँ पर थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो जाती है। लेकिन अगर शो में कैरेक्टर्स की बात करेंगे, तो यस, यहाँ पर आपको कुछ कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जिसको बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप किया, एटलीस्ट जो लीड कैरेक्टर्स हैं उनके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, उनके पर्सनल लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, वो हमें इतना अच्छी तरह से बताया कि जिससे हम लोग उस पर्टिकुलर कैरेक्टर की मेंटेलिटी को बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते। तो इसलिए कैरेक्टराइजेशन मुझे कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन इसमें थोड़ा और डिटेल डालते तो देखने में और मज़ा आता, और कहीं ना कहीं हम लोग उन कैरेक्टर से इमोशनली भी कनेक्ट कर पाते हैं। इसके अलावा शो की सिनेमाटोग्राफी डिसेंट है, लेकिन जो लोकेशन है वो बहुत ही बढ़िया, स्पेशली नेपाल और हांगकांग के जो लोकेशन बताया, जो ड्रोन शॉट बताया, वो देख बहुत ही ऑसम लगा। बीजीएम मुझे ओके लगा, मतलब कुछ इतना खास बीजीएम है नहीं, और कुछ कुछ जगह पे बीजीएम मुझे सीन से एकदम अलग भागते हुए नजर आ रहा था, तो ये भी इस मूवी का एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करें, तो अमित सेल ने यहाँ पर जबरदस्त परफॉर्मेंस किया, उनके कैरेक्टर में जो अलग अलग लेयर थे उसको उन्होंने इतनी अच्छी तरह से निभाया। मैं आपको बता दूं कि अमित सेल उन नेग्लेक्टेड एक्टर्स में से है कि जिनको बॉलीवुड अभी तक समझ नहीं पाया, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म आने की वजह से उनको अच्छे अच्छे रोल्स मिल रहे। और लास्टली मैंने उनको देखा था सिंपल मर्डर, जो कि सोनी लीव पर ही रिलीज़ हुई थी सीरीज़, उसमें भी उन्होंने एक अलग तरह का रोल निभाया था, और यहाँ पर इस पर्टिकुलर शो में भी उनका जो रोल है बहुत ही आउटस्टैंडिंग रोल है, और बहुत ही अच्छी तरह से बिलीवेबल वे में उन्होंने यहाँ पर प्ले किया। लेकिन हाँ, जो विलन है यहाँ पर अंशुमन पुष्कर, उसका काम यहाँ पर मुझे अच्छा लगा, और जब कोई एक नए टैलेंट, कोई नए एक्टर कोशिश करते हैं ना, तो उसको अप्रिशिएशन करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये रोल उन पर इतना कुछ खास जच नहीं रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी तरह से जो एफर्ट्स डाले उसके लिए मैं उनको अप्रिशिएशन करूँगा। जो बाकी जितने भी सपोर्टिंग एक्टर्स थे, सब लोगों ने अपने हिस्से के रोल को बढ़िया तरीके से निभाया। शो की एडिटिंग मुझे इतनी कुछ खास लगी नहीं, क्योंकि थर्ड और फोर्थ एपिसोड में बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जो आपको बोर करते, या तो आप लोग कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे रिपीटेटिव सीन्स है जिसे डालने का कोई मकसद नहीं था। शो का डायरेक्शन मुझे अच्छा लगा, लेकिन बहुत ही हड़बड़ाहट वाला लगा, यानी कि स्टार्टिंग में उन लोगों ने काफ़ी कंफ्यूजिंग वे में चीज़ों को शुरू किया, लेकिन उसके बाद चीज़ों को एकदम फास्ट पेस भगाने लगे, तो उसमें जो डेप्थनेस थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई, तो डायरेक्शन इसका और भी बेटर हो सकता था। लेकिन मेरा मानना ऐसा कि जब हम लोग कोई मूवी थिएटर्स में देखने जाते हो, तो उस मूवी की स्टार्टिंग अच्छी हो और उसका क्लाइमेक्स बढ़िया हो ना, तो जो बीच की जो नेगेटिविटी ना, वो हम लोग पूरी तरह से भूल जाते हैं, और वही चीज़ होती है इस पर्टिकुलर शो के साथ। इसकी स्टार्टिंग थोड़ी बहुत कन्फ्यूजिंग है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसका जो क्लाइमेक्स है वो अनबिलीवेबल है, अनएक्सपेक्टेड है, और जो ट्विस्ट 6th एपिसोड में रिवील होते हैं ना, वो भाई पूरी तरह से दिल जीत लेते। तो इस वजह से जो बीच की जो खामियां थी
वो मैं पूरी तरह से भुला गया। खैर अगर पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो शो आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो। यस इसमें कुछ बैड वर्ड्स है लेकिन उसको आप लोग इग्नोर कर सकते हो एकदम नाम के लिए, और एडल्ट सीन एक भी नहीं है। मैं इस शो को रेटिंग दूंगा 7 out of 10। डेफिनेटली इट्स अ वॉचेबल शो, नॉट अप टू द मार्क, मतलब जितना मैंने एक्सपेक्टेशन रखी थी सोनी लीफ ओरिजिनल सीरीज से वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल तो नहीं हुई, लेकिन यस इसका क्लाइमेक्स मुझे बहुत ही ऑसम लगा। और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि यार इस शो को एक बार तो जरूर देखना। बाकी अगर आप लोगों ने देख लिया तो आपको कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो यार आपकी जो मर्जी, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता अगर आप लोग तारीफ करो तो भी खुशी होती है, गाली दो तो भी खुशी होती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।